हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गैंगस्टर गेमिंग। तो आज हम लोग आ गए एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ पैसे वैसे कमाने के लिए करेंगे, क्योंकि जब से शहर में आए अभी कोई हमारा पैसा वैसा का कोई जुगाड़ नहीं हो रहा। तो घर वर लिया हुआ है, ये इसको भी इसकी भी किस्तें भरनी होती है। तो अभी हम लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से। तो मैंने अपने दोस्त माइकल को तो आप लोग जानते ही होंगे, हर कोई जानता है उसको। तो मैंने उसको बोला है कि यार अपने किसी जुगाड़ वगाड़ लगा, कुछ काम वाम दे मेरे को कि मैं कुछ पैसे वैसे कमा पाऊँ। तो गाइस, मैंने बोला है उसको, तो उसने मेरे को बोला है, मैंने एक बंदे से बात की है, वो कार्स का बहुत बड़ा डीलर है, साइमन नाम है उसका, तो वो तेरे को कॉन्टेक्ट करेगा। तो अभी देखते हैं वो हम लोगों का कॉन्टेक्ट करेगा। तो मुझे लग रहा है मेरे गेट पर कोई आया है, जाके देखता हूँ मैं गेट पर। तो गाइस, साइमन ही आया हुआ है। तो गाइस, मैंने उससे बातचीत कर ली है। तो वो ये कह रहा है कि शहर में एक बड़ी स्पोर्ट्स कार आई हुई है, बहुत महंगी और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पोर्ट कार है। तो हम लोग को उसको जाके चुराना है, और कह रहा है अगर तूने ये काम कर लिया तो आगे भी मैं तेरे को काम देता रहूँगा और बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे इसके, क्योंकि उस कार्ड की डील जब होगी तो इतना पैसा आएगा कि हम कुछ भी चाहे जो चाहे वो बना सकते हैं, जो चाहे वो खरीद सकते हैं। तो गाइस, अगर मेरे को इस शहर में सर्वाइव करना है तो इससे बड़ा मौका मेरे पास नहीं आएगा, मेरे को ये काम करना ही पड़ेगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि काम काफ़ी रिस्की है, काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह है उस कार गाड़ी के आसपास, तो तेरे को कम से कम एक बंदा चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं माइकल को बुला लेता हूँ, माइकल का जुगाड़ कर लेते हैं हम लोग। माइकल को बोल देंगे, थोड़े बहुत पैसे वैसे दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो गाइस, हम लोगों ने माइकल को कॉल की थी, तो माइकल अभी पहुँच गया है। तो अभी अभी हमने उसको बता दिया कि क्या क्या करना है क्या नहीं है। तो उसने बोला कि सब कुछ रेडी है, कब चलना कहाँगा। मैंने सोच रहा हूँ कि अभी मैं अभी ही चले आऊँ ताकि मेरे पास जल्द से जल्द पैसे आ जाए, और मैंने उसको बता दिया। वही कह वैसे ही वो आजकल ज़िंदगी से काफ़ी तंग है, इसलिए बड़े जल्दी काम करने के लिए आ गया हमारे पास। तो चलो आ जाओ माइकल, निकलते हैं अपन। तो गाइस, हम लोग गाड़ी में जाएंगे। तो और जो साइमन ने हमारे को लोकेशन दी है वो मार्क कर लेते हैं हम लोकेशन मैप पे। तो वो मार्क कर लिए मैंने। तो माइकल आ गया नहीं है? बेटा किधर है, आ जा भाई, ऊपर आने का रास्ता नहीं मिल रहा तेरे को, बोला बैठ गया गाड़ी पर। तो अभी हम लोग जाएंगे अपनी गाड़ी में। तो गाइस, अभी मुझे ये नहीं पता कि कितना रिस्की काम है ये। अरे यार, तो गाड़ी अभी हम लोगों को ये भी नहीं पता कि वहाँ कितनी सिक्योरिटी है, पहले जाके दूर से देखना पड़ेगा। ये तो है ही पागल का बच्चा, अभी हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे ही अपनी बीवी से तंग है, उसको गालियाँ दे देंगे, घर वाले भेज देते हैं। मैंने उसको बोला कि तेरे को पैसे वैसे मिलेंगे तो कुछ सेपरेट कर लीजिए, जान छोड़ा अपनी बीवी से, कब तक गालियाँ मजा रहेगा। वो कई और मुँह मारती रहती, ये सर पकड़ के बैठा रहता है, उसका बेटा भी उसको गालियाँ देता रहता है, उसके बेटे का नाम जिमी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि माइकल किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि मैंने तो उसको सिर्फ मुँह से ही बताई है ये बातें, कि अब देखो क्या होता है वहाँ पहुँच के पता चलेगा। तो उसने ये बताया कोई वहाँ पे कस्टमर वगैरह है, उस जगह पे जाना है हम लोगों को, वहीं हमने गाड़ी खड़ी की हुई है उन्होंने पेशारों ने, और वो काफ़ी फकीर आदमी की गाड़ी है जो कि इम्पोर्ट हुई है, और वो किसी भी हालत में हमें चुराना है। अब एक चोर का बच्चा चोर वाले डाल देगा ना आपको, वो ये थोड़ी बोलेगा कि ये गाड़ी मैंने खरीद ली है, या तू उसका जाके डिस्काउंट लगा के गाड़ी खरीद के आ जाओ, ये बोलेगा। उसको भी पैसे ही कमाने हैं, और चोरियों की गाड़ियों का तो उसका शोरूम होता है। तो यहाँ सारे चोर के बच्चे ही हैं, कोई ढंग का काम आपको थोड़ी मिल सकता है, आप कोई ढंग का काम कर लो और आपको पैसे वैसे मिल जाए। और एक तो इतना रोड स्लिपरी हो रहा है, गाड़ी चलाना बड़ा आराम होता है। तो गाड़ी तो हम लोग यहाँ पर, अरे यार एक पीछे और अभी इसको मार दो। तो गाइस, हम लोग यहाँ पहुँच गए, अभी हम लोगों को थोड़ा सा आगे और जाना है ताकि हम लोगों को क्लियर व्यू मिले और अगर लोगों को शक भी ना हो। और हम लोगों ने यहीं से थोड़ा स्काउट करना है, तो मैं अपनी स्नैपर वगैरह स्काउट करने वाले हैं। अभी हम यहाँ स्काउट करते हैं, तो मुझे लग तो रहा है हाँ सिक्योरिटी दिख तो रही है, और यहाँ से इतना क्लियर व्यू नहीं मिल रहा, और यहाँ पर गाड़ी भी नजर आ रही है, गाड़ी तो बड़ी ज़बरदस्त निकली है, जा करीब जाके देखना पड़ेगा। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कितने बड़े चिकने हैं कहाँ फिर। अरे भाई क्या कर रहा है, चला भाई बैठ जल्दी आ, तो आगे जाके हम गाड़ी वाड़ी लगाएंगे। तो
यहाँ यहाँ कहाँ लगाए गाड़ी, क्लियर मिल जाए। यहाँ गाड़ी लगा दें, क्योंकि हम गाड़ी लेंगे तो वही निकलेंगे, तो यहाँ से हमें क्लियर व्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी तो खड़ी भी नज़र आ रही है, तो यहीं से हम चेक करते हैं। अभी माइकल दादा किसान में हमारे भी चलते हैं यहाँ से। अरे भाई यार ये मुझे मरवाएगा, ये कसम से मुझे मरवाएगा, ये भाग जाएगा मुझे लग रहा है। अभी जाके हम उन्हें छूना आगे। माइकल कहाँ है, मैं अकेला लड़ूंगा यहाँ पे। अरे भाई आ जा, किधर पहुंच गया ही, ये भी तो पहुंचे ही है। मुझे लग रहा है अकेले ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। अरे भाई माइकल, माइकल किधर है, मुझे मारोगे? आ जाओ आ जाओ, गाड़ी तो मैं आ गया, तो देख ही रहा हूँ। अरे कितने हैं भाई, कितने हैं ये, भागो पीछे भागो। माइकल ने तो धोखा दिया है मेरे को। माइकल किधर है, माइकल अभी तक नहीं पहुंचा, इसको तो मैं बाद में देखूंगा। यार क्या आर्मर इन लोगों के पास, तो मर ही नहीं रहे। आओ बेटा आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तू कहाँ छुपा हुआ है, तू भी आ, तू तो इधर आ, तू तो इधर आ। और बोल, अच्छा गोलियां वोलियां लगी हुई है। और कौन है, और कौन है, और कोई तो नहीं, सबको लेटा दिया। माइकल अभी तक नहीं पहुंचा हमारा, माइकल पता नहीं किधर डर के भाग गया। ये मुझे लग रहा है उसने बदला लिया मेरे से ही, धोखा जो उसने दिया ना उससे, तो मैं बाद में निपटूंगा। अभी हम लोग यहाँ से गाड़ी उठाते हैं और लेके चलते हैं हम अपने सेफ हाउस पे। ये यहाँ खड़ा हुआ है, ये यहाँ खड़ा हुआ है, बेगैरत के बच्चे आके बैठ, इधर बैठ, बैठ रहा है या नहीं, बैठ बैठ। इसको पता नहीं क्या हो गया, बैठ ही नहीं रहा ये। चलो ये आ जाएगा, अपन तो निकलते हैं गाड़ी लेके। तो गाड़ी हम लोग को मिल गई है, गाड़ी की स्पीड तो चेक करो, और उसमें आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, उससे कंट्रोल भी नहीं हो रही है गाड़ी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने सेफ हाउस की तरफ, वहाँ पे ये गाड़ी हम लोग देंगे उसको, साइमन को, और अपनी जान छुड़ाएंगे। इसकी स्पीड तो देखो क्या जबरदस्त गाड़ी है यार, रोड पे तो कंट्रोल ही नहीं हुई तभी तो। अरे यार गाड़ी गाड़ी में आर्मर वगैरह भी अच्छा है, इतना नुकसान नहीं हो रहा, इतना ठोक भी रहा उसके बावजूद इतना नुकसान नहीं हो रहा। तो अभी हम लोग घर पहुंच जाए आराम से, शुक्र है कोई पुलिस वगैरह का कोई चक्कर नहीं रहा, वरना हमारे तो लग जाते, क्योंकि इतने से माइकल ने तो हमें धोखा दे दिया। तो अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं अपने। एक तो ये यहाँ पे साथ देने वाला कोई भी नहीं होता, माइकल ने तो बना दिया बेवकूफ हमारे को। तो गाइस अभी हम लोग अपने घर की तरफ पहुंच गए, और यहाँ पे मैं गाड़ी, यहाँ पे सेवन गेट खड़ा हुआ है हमारा, और यहाँ पे गाड़ी मैं गैराज में खड़ी कर देता हूँ, तो ये खुद ही ले जाएगा गाड़ी। और मैंने उसको बता दिया है कि गाड़ी मैं ले आया हूँ, और भाई ये देख ले गाड़ी तेरी आ गई, और जाके अब तू गाड़ी अपनी संभाल ले। मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, कपड़े वपड़े भी कहीं गंदे हो गए। तो गाइस उन्होंने गाड़ी दे दी है, वो ये कह रहा है कि जैसे इसकी डीलिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी मैं तुझे पैसे दे दूंगा, लेकिन मैंने उसको बोला कि मेरे को इसके पैसे जल्दी चाहिए, ताकि मैं अपना थोड़ा सा अपना काम वाम करा सकूँ, कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ खरीद सकूँ। तो मुझे भी अमीर बनना है, अभी शहर में आया तो थोड़ा तो पैसा होना चाहिए ना जेब में। तो वो ये कह रहा है कि मैं तेरे को उससे डीलिंग से पहले ही पैसे दिलवा दूंगा। तो गाइस वो गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त थी, वर्ल्ड फास्टेस्ट कार है गाइस, चलाने में तो फिर मज़ा आएगा ही ना।
यार मैं कोशिश करूंगा कि आगे ये गाड़ी मैं टेस्टिंग के लिए उससे लूँ, और आगे मैं आपको पूरी इसकी टेस्टिंग वगैरह करके दिखाऊंगा। थोड़ा हम लोग भी मज़े लेंगे इस गाड़ी के, हमारे पास से पहले और चलाई भी हमने, तो थोड़ी देर के लिए तो शायद ये गाड़ी हमारे को दे देगा। तो गाइस जब तक के लिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और गाइस कोई मिस्टेक विस्टेक हो गई हो या कोई मसला वसला हो गया या मैं कोई ऐसी अजीब सी बात कर दी हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा नया हूँ इस काम में, तो जैसे जैसे आदत बन जाएगी वैसे वैसे मैं थोड़ा सेट होता जाऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।